तो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें मैं जीएस ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो ये जीएस ट्रिक जो है वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस जीएस ट्रिक को तो पढ़ ही लेंगे, इसके साथ साथ अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी जीएस की ट्रिक है वो मैंने साइंस से उठाई है और ये है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले बीमारियां यानी डिजीजेस के नेम्स। तो यहाँ पे आपको जितनी वायरस से डिजीजेस इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन जितनी भी मोस्टली आपके एग्जाम्स में आती हैं वो सारी मैंने इस ट्रिक से आपकी बन जाएंगे। और एक छोटी सी ट्रिक है और एक और ट्रिक होती है इसके लिए, लेकिन वो ट्रिक मैंने नहीं लिखी, वो थोड़ी सी लंबी है और मुझे ये ट्रिक काफी अच्छी लगी और ये आप लोगों को अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। तो चलिए इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखिए लिखा है मेरी कैट है एमपी की, तो सिंपल सी ट्रिक है मेरी कैट है एमपी की। अब देख लेते हैं कि कैसे इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए मेरी यानी कि फर्स्ट जो अल्फाबेट आया वो आया एम आया, तो एम से हम लिख सकते हैं मेनिनजाइटिस। यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जितने भी लोग इंग्लिश से हैं तो स्पेलिंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे आप अपनी स्पेलिंग कन्वर्ट कर सकते हो। तो एम से है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो होता है मोस्टली ये ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है, तो डिजीज़ के बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं बात कर रहे हैं। एम से मेनिनजाइटिस और ये है आपकी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़। तो ये भी जो है ये वायरस से होती है, तो M से मेनिनजाइटिस हो गया आपका। अब देखिए बात करते हैं, देखिए मेरी था तो M E मेरी की M E R I स्पेलिंग, अगर आप इसको एज ए इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो मेरी लिखोगे तो M E R I लिखोगे, तो M फिर E फिर R फिर I, तो यहाँ पे हम मेरी का पहले देख लेते हैं पूरा। देखिए अब आ रहा है ई आपका, सॉरी इन्फेलाइटिस, इसको बोलते हैं मस्तिष्क शोध। ये भी जो प्रॉब्लम है, देखिए मेनिनजाइटिस और इन्फेलाइटिस ये जो दो बीमारियां हैं ये दोनों लगभग लगभग कॉमन है, पूरी तरीके से कॉमन नहीं है, दोनों है ब्रेन से लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। और ये जो दोनों ही बीमारियां हैं ये दोनों ही वायरस से होती है और दोनों ही दिमाग से यानी कि आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं मस्तिष्क शोथ, हिंदी में मस्तिष्क शोथ भी लिखा जाता है। थोड़ी सी नई है, हो सकता है ये आप लोगों ने अभी तक देखी ना हो बाय चांस, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी शायद मेनिनजाइटिस, काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, इन्फेलाइटिस नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है मेनिनजाइटिस एंड इन्फेलाइटिस। ये जो दो है दोनों ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है एंड दोनों वायरस से होने वाली डिजीज है यानी कि विषाणु से होने वाली। तो ये एम और ई से हमारा मेनिनजाइटिस और इन्फेलाइटिस हो गया। अब देखिए आर आया है तो आर से हो गया रेबीज। आप जानते हो मोस्टली कुत्ते या फिर जो भी जानवर अगर रेबीज से ग्रस्त है वो अगर काट लेता है तो रेबीज इंसानों में भी हो जाता है, तो रेबीज आपने सुना होगा, ये रेबीज भी वायरस से फैलता है, तो रेबीज हो गया आपका आर से। अब देखिए यहाँ पे आया है आई, एम हो गया ई हो गया आर हो गया और आई हो गया, तो आई से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। अब इसमें आप नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेकर के N1H1 फ्लू तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होता है वो भी वायरल, आपने सुना होगा वायरल फीवर चल रहा है या फिर जैसे वायरल कोल्ड वगैरह होता है ये भी एक से दूसरे को हो जाता है, वायरस से होता है। एंड इसके अलावा N1H1 फ्लू जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, ये सारे भी जो है इन्फ्लुएंजा के तहत ही रखे जाते हैं आपके, तो ये जो है ये भी वायरस से ही फैलते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंजा। तो देखिए मेरी जो पहला मेरा अक्षर था मेरी, उससे एम ई आर आई बना मेनिनजाइटिस इन्फेलाइटिस रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये आपके विषाणु से होने वाले रोग हो गए। अब देखिए मेरी फिर उसके बाद आ रहा है आपका कैट, तो कैट भी हम यही देख लेते हैं सी ए
टी, सी ए टी, कैट हो गया आपका। तो देखिए कैट से हो गया आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिसको हिंदी में आपका चेचक बोलेंगे। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे चेचक, या फिर कुछ कुछ लोग बड़ी माता भी इस पे लिखते हैं। चिकन पॉक्स के अलावा स्मॉल पॉक्स जो है आपका, वो भी वायरस से ही होता है। स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता बोला जाता है, छोटा मतलब यही चेचक का जो छोटा फॉर्म होता है आपका, स्मॉल पॉक्स। तो ये जो है चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स आपका सी से नहीं आ रहा, बट मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि आप ये भी समझ जाओ कि ये जो है ये भी वायरस से ही होने वाली है, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। अब देख लेते हैं ए और टी। तो ए से आपने सुना होगा बहुत ही गंभीर बीमारी है एड्स, एड्स। तो एड्स भी जो है वो भी वायरस से होने वाली, यानी कि वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज में आती है। अब देख लेते हैं हम टी से। तो देखिए पहले यहां तक कि कंफर्म कर लेते हैं, एम ई आर आई सी ए, सी से हो गया आपका चिकन पॉक्स, ए से हो गया एड्स, और अब टी से हो जाएगा आपका ट्रैकोमा। ये जो होती है ये आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आईज में होती है ट्रैकोमा। तो मेरी कैट, इतने की पूरी हमारी ट्रिक बन गई। देखिए एम से मेनिनजाइटिस, ई से इन्फेलाइटिस, आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, सी से चिकन पॉक्स, ए से एड्स, टी से ट्रैकोमा। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब था है एमपी की, तो है से सिर्फ हमारा एच बन रहा है। वैसे तो है अगर हम लोग लिखते हैं तो एच ए आई बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एस से रिलेशन है, एस से ही मतलब है, एच लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने एच लिख दिया। अब एच से देखिए दो रोग होते हैं जो एच नेम से होते हैं। एक आपका होता है हर्पीस, एक ही आपका हर्पीस बीमारी, इसके अलावा हेपेटाइटिस। तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और ये एच से स्टार्ट होंगी, इसलिए मैंने एच वाले इसमें दोनों रख दिए। तो हर्पीस और हेपेटाइटिस, ये दोनों अलग बीमारियां हैं। अब देखिए एच हो गया हमारा मेरी कैट है। अब एम पी आ रहा है, देखिए एम पी, और जो आपका ये कीवर्ड आया है, ये फालतू का वर्ड है, सिर्फ आपको सेंटेंस को बनाने के लिए रखा गया, क्योंकि अगर सिर्फ आप इतना लिखते मेरी कैट है एम पी तो सही ना लगता, इस वजह से मेरी कैट है एमपी की रखा गया है, जिसमें की ये है इसका कोई काम नहीं है। तो अब देखिए, तो चलिए अब एम एंड पी ये दो अल्फाबेट्स हमारे पास बचे हैं, अब इन दोनों से देख लेते हैं। तो देखिए एम से दो बीमारियां हैं जो मैंने एक साथ लिख दी हैं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। पहली है आपकी मम्स, जिसको एम यू एम पी एस लिखते हैं, मैं हिंदी में लिख रही हूँ इसलिए मैं पूरा पूरा हिंदी में ही लिखूंगी, सॉरी। मम्स एम यू एम पी एस, एंड मीजल्स, मीजल्स जो होते हैं आपके, तो इसको मैं बता दूं मम्स जो होता है इसको गलसोत या फिर गलसुआ भी लिखते हैं ये, और आपका जो मीजल्स है, मीजल्स एम ई एस ई एल ई एस, तो मीजल्स जो है वो है आपका खसरा, सुना होगा आपने ये। तो मम्स है गलसुआ और मीजल्स है खसरा। और ये बीमारी देखिए मैंने, क्योंकि दोनों एम से स्टार्ट हो रही है इसलिए एम वाले अल्फाबेट में रख दिया, मम्स अलग है मीजल्स अलग है। और एक चीज खास बात मैं बता दूं, जब भी आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो ये मम्स एंड मीजल्स बीमारी का यूज आता है। मम्स एंड मीजल्स जो सुनने में लगता है कि ये प्लूरल है एंड मतलब क्योंकि इसमें एस का यूज होता है, लेकिन इसमें इस बीमारी में ऑलरेडी एस लगता ही है। तो ये जो आप जब भी नियम पढ़ते हो इंग्लिश में, तो ये दोनों बीमारियों का नाम भी आता है वहां पे, मम्स एंड मीजल्स का। अब देखिए बात कर लेते हैं पी, पी बचा है हमारा, तो पी से होता है पोलियो। पी हो गया आपका, पी मैं थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, यहां हो जा रहा है, तो पी से हो गया आपका पोलियो। फिर से अब बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मेरी कैट है एमपी की, ये था। तो एम से मेनिनजाइटिस, ये भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है,
ई से इंफेलाइटिस, ये भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है आपकी। आर से रेबीज, ये मैंने बताया पालतू जानवरों के काटने से, स्पेशली डॉग वगैरह के काटने से रेबीज होता है। आई से इन्फ्लुएंजा, इसमें आपका स्वाइन फ्लू से लेकर के जो भी नॉर्मल फ्लू होता है उसको भी रखा जाता है। सी से चिकन पॉक्स, एंड इसके अलावा स्मॉल पॉक्स भी वायरल ही होता है, तो ये दोनों आपका ही दोनों वायरल डिजीज है। ए से एड्स, ये भी वायरल। टी से ट्रकोमा आईज के लिए। एस से हर्पीज एंड हेपेटाइटिस। एम से मम्स एंड मीजल्स। पी से आपका पोलियो। तो आई होप मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो सारी इसमें कवर कर दी हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रिक होती है उसमें कभी कदार ये होता है कि छोड़ भी देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको सारे में लगभग कवर करा दूं। इसके अलावा भी बाई चांस अगर कोई ऐसी रह जाती तो आप उसको अलग से तैयार कर सकते हो, लेकिन मोस्टली रहेगी नहीं, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो भी आ सकती है वो मैंने सारी की सारी आपको इस ट्रिक से कवर करा दी है कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां। क्योंकि पहले जब मैंने बताया था, तो मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने एक दो बीमारियां लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये वायरल है, ये वायरल डिजीज है। इसके अलावा मैंने कहा था जब मैं कभी पढ़ाऊंगी या फिर उसकी ट्रिक बनाऊंगी तो मैं आपको लाइन से बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं। तो आज मैंने वो ट्रिक बना ली है और आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद भी आई होगी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किसका चाहते हैं भी बताइए। इसके साथ साथ मैंने बोला है आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, अब सीजीएल की वीडियोज आपको मिलेंगी लगातार। तो सीजीएल के लिए जो भी पढ़ाई होगी वो हम बेसिक एकदम चैप्टर वाइज करेंगे, बिल्कुल भी उसमें कोई भी ट्रिक या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बीच बीच से उठाया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज रहे एकदम चीजें, तो टॉपिक वाइज चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।